Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the particular session. Hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे. सो एक लाइन है ना, कहते हैं ना कि हमें तो CSIR ने लूटा, क्वेश्चन में कहाँ दम था. हमें तो CSIR ने लूटा, क्वेश्चन में कहाँ दम था. मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ टेक्निकल एरर हर दम था. सो जी हाँ, इस बार CSIR के एग्जाम में कई सारे लूपहोल्स जो नजर आए हैं, आखिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन है जिम्मेदार जो कि ये बता सके कि आखिर कई सारे लोगों का जो पेपर खराब हुआ है सिर्फ टेक्निकल एरर की वजह से. कई जगहों पे पावर कट, कई जगहों पे टेक्निकल मिस्टेक्स, कई जगहों पे नेटवर्क इशूज, कई जगहों पे सर्वर प्रॉब्लम्स, कई जगहों पे जो क्वेश्चन की विजिबिलिटी है, डुअल लैंग्वेजेस, ये सब इशूज जो हैं अल्टीमेटली एक डिजर्विंग कैंडिडेट को फेल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. सो अगर कोई इंसान जो है अपनी मेहनत की वजह से कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है या नहीं करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है. लेकिन अगर कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट इन वजहों से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. जी हाँ, इसके लिए आवाज उठाना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस बार जो हो चुका वो तो ठीक है, लेकिन अगली बार जून के एग्जाम में ये चीज दोबारा ना रिपीट की जाए. कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस ये भी हो सकते हैं, अगर आप मेरी ये वीडियो NTA तक पहुंचती है या CSIR तक पहुंचती है. सो ये सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं कि जब भी कोई स्पेसिफिक सेंटर्स को सेलेक्ट किया जाए, IITs में भी बहुत लोग बैठते हैं, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी बहुत ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, लेकिन इतने टेक्निकल एरर्स और ग्लिचेस जो हैं देखने को नहीं मिले थे अलग अलग एग्जाम्स में. CSIR में एक ऐसा ही क्यों या ऐसा क्यों पाया गया, हो सकता है कि जो सेंटर सेलेक्ट किए गए हों उनको उनकी पहले से निगरानी या उनको पहले से चेक नहीं किया गया हो कि कौन से सिस्टम्स किस तरीके से चल रहे हैं. सो एक हो सकता है कि NTA जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो अपनी एक टीम बिल्ड करे जिसमें कुछ मेंबर्स जो है उन सेंटर्स पे पहले विजिट करें, वो दो दिन पहले, तीन दिन पहले, और चेक करें कि सारे PC और सिस्टम प्रॉपरली रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा जो डुअल लैंग्वेजेस एक ही साथ दोनों ऑप्शन आने का प्रॉब्लम था, इसको प्लीज एलिमिनेट किया जाए क्योंकि इससे रीडिंग करने में जो है यहाँ जो कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है. ड्रॉपडाउन मेन्यू के साथ हम दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो, ये ऑप्शन हो सकता है कि एक ही साथ आप या तो इंग्लिश या तो हिंदी या तो दोनों सेलेक्ट कर सके, तो हम ये तीन ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा जो है जब भी बेसिकली टेक्निकल एरर्स या जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ मिलते हैं उन प्रॉब्लम्स को हैंडल आउट किया जा सकता है कुछ टीम से, जैसे कि सर्वर चेक किया जा सकता है पहले, और अगर पॉसिबल हो, अगर ऑनलाइन एग्जाम के बजाय ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा सके तो वो भी कराया जा सकता है. सो ये सारी चीज़ें कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं. इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं और काफ़ी सारे एजुकेटर्स जो हैं इस पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से एक CSIR को मेल या लेटर लिख रहे हैं थ्रू मेल, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें. स्टार्ट कर रहे हैं मेल करना आज से, तो आप लोग जितना हो सके प्लीज CSIR की मेल ID पे मेल करें अपने कंसर्न को. कुछ मेल्स या कुछ जो इश्यूज है मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आउट कर दूंगा, उनको आप देख सकते हैं. आप बाकी आपने जो फेस किया है, जो रियलिटी है, वो मेल में लिखें और CSIR तक इस बात को जरूर पहुंचाएं ताकि ये जून में दोबारा रिपीट ना हो. जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस बात को स्प्रेड कर सकते हैं, और अगर आप किसी नए एजुकेटर से मिले हैं तो उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वो भी अपने साइड से स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से मेल कर सकते हैं. सो ये जो है आप अभी से शुरू कर सकते हैं, एक दो दिन में जितना प्रयास कर सके उतना मेल करें ताकि जो है ये बात पहुंचे और इस पे जो है एक तरीके का एक्शन लिया जाए ताकि ये चीज दोबारा आपके साथ ना हो और एक डिजर्विंग कैंडिडेट क्वालिफाई करे और एक मेहनत करने वाला कैंडिडेट क्वालिफाई करे, ना कि टेक्निकल ग्लिचेस एंड ऑल की वजह से. सो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेल जरूर करेंगे. मेल ID इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.